अच्छे होंगे। आप लोग का जो क्लास अभी चलेगा वो आरएस अग्रवाल बुक का शोषण चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप लोग को अमेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बता चुके हैं। आप लोग नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है वो आज से रेशियो स्टार्ट होने वाला है, जिसके पार्ट भी केवल पार्ट भी का शोषण हम करवा रहे हैं, क्योंकि पार्ट भी आप लोग पहले पढ़े भी होंगे। पार्ट भी बहुत बच्चे जो परेशान हो जाते हैं कि पार्ट भी का बहुत टफ होता है, बहुत वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है बनाने का, या बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाते हैं। वैसे उस प्रोसेस को आसान करने के लिए उस बड़े से बड़े सवाल को, क्योंकि पार्ट बी का सवाल थोड़ा सा है होता है, थोड़ा सा नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा होता है, जिसके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो उसी सवाल को कैसे शॉर्ट अप्रोच में बनाते हैं, इसके लिए हम पार्ट बी का शोषण करवा रहे हैं। अगर हम चाहते तो आप लोग को पार्टी करवा के आप लोग का टाइम पास कर सकते थे, लेकिन नहीं, पार्टी आप लोग पढ़े भी होंगे जो तरीका से पढ़े हों, लेकिन जब आप पार्ट बी को हमारे तरीका से पढ़ लेंगे ना, तो फिर पार्टी भी आप उस प्रकार से बना सकते हैं। इसलिए हम पार्ट बी का शोषण आप लोग को करवा रहे हैं अपने अपने मेथड से, जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े सवाल को बिना कम से कम लिखिए और कम से कम कैलकुलेशन कीजिए और आपका उत्तर आ जाए, वो तरीका आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत चार टॉपिक आपको पहले तीन टॉपिक खत्म कर चुके हैं, आज चौथा चौथा टॉपिक के अंतर्गत रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके पार्ट बी का शोषण हम करेंगे। अगर आप लोग को हमारे वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिलते रहे तो आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए, और हम आपके सामने बेस्ट कंटेंट पूरा आरएस अग्रवाल का पार्ट बी पहले आपको क्लियर कर देंगे, ताकि जो बच्चे पार्टी पढ़े हों उनको पार्टी का शोषण सही ढंग से सही टीचर से मिल सके। और फिर बाद में अगर आप लोग की इच्छा हो बताइएगा, पार्टी भी फिर आपको बेसिक रूप से आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं है। तो चलते हैं, ये पार्ट बी पढ़ने से क्या होगा, एक प्रकार से आपका पढ़ा हुआ अभी तक का जो भी पढ़े होंगे उसका रिवीजन भी एक प्रकार से आपका हो जाएगा। पार्ट बी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी तक आप जो पढ़े होंगे चैप्टर पूरा बुक खत्म किए होंगे, अगर आप तो कम समय में आप पार्ट बी पढ़ के केवल क्या करें हमारे मेथड से पढ़ के आप उसका रिविजन भी बहुत कम से कम समय में कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप इसको पढ़िए। और शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर एक से। देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, एक थैली में एक रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। क्या कह रहा है, एक रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात क्या है, 5, 6, 8। ये 5 है, ये 6 है और ये 8 है। संख्या का अनुपात आपको ये दिया हुआ है 5, 6, 8। कह रहा है यदि थैली में कुल 210 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या होगी। अरे 210 रुपया मतलब 5 का अगर 1 का है, 6 सिक्का आपका 50 पैसा वाला होगा और 8 सिक्का आपका 25 पैसा वाला होगा। आप जानते हैं 50 सिक्का 5 का 5 ही रह जाएगा, 50 पैसे का 1 सिक्का का मतलब कितना रुपया होता है, आधा रुपया होता है। 6 सिक्का का मतलब कितना होगा, 6/2, और 25 पैसा का 1 सिक्के का मतलब 1/4 रुपया होता है। 8 सिक्के का मतलब कितना होगा, 8/4, यही सब मिला करके रुपया कितना टोटल दिया हुआ है, 210। देखिए 2 × 6 = 4 × 8 = 5 × 8 = 10 आपका 210 है, 1 यूनिट आपका 21 हो गया। देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है, तो बताएं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या है, मतलब 5 भी पूछा गया है, 6 भी और 8 भी। आप बताइए कुल 5 का वैल्यू कितना होगा, 21 अगर 5 है, 5 × 5 = 10, ये हो जाएगा कितना आपका 1 रुपया वाला सिक्का हो जाएगा। फिर देखिए 6 यूनिट, 6 कितना होगा, 6 × 6 = 12, ये कितना हो जाएगा आपका, 50 पैसा वाला हो जाएगा। और निकाल दीजिए यहाँ पे 25 पैसा, 8 भी निकालना है, 8 कितना हो जाएगा, ध्यान से साइड में कर देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा हो सकता है, 8 यूनिट कितना, 1 मिनट अगर 21 है तो 8 यूनिट कितना होगा, 8 × 8 = 16, 168, ये क्या हो जाएगा आपका, 25 पैसा वाला हो जाएगा। कुछ नहीं, सवाल आसान था, बस जो रेशियो दिया हुआ है संख्या था इसको मूल्य में चेंज कर दिए, एक रुपये का मूल्य तो एक ही रहता है, 50 पैसे का 1 सिक्के का मूल्य आधा रुपया होता है तो हाफ कर दिए, 25 पैसा वाला 4/4 होता है, 4/4 की टोटल जोड़ दिए, मूल्य के बराबर कर दिए, आप मूल्य करके निकाल लिए, जिसका मतलब होगा 1 रुपया वाला 105 सिक्का होगा, 50 पैसा वाला 126 सिक्का होगा, और यहाँ पे और 25 पैसा वाला 168 सिक्का होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कुछ तरीका समझने में आ गया होगा, कहीं एक्सपायर करने की जरूरत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही उम्दा सवाल है, आप लोग पहले वीडियो को रोकिए, बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर आप हमारे मेथड को देखिए कि हम कैसे उसको कम से कम समय में सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले आप लोग खुद से ट्राई इसको जरूर कीजिए। देखिए कह रहा है ए बी और सी के लास्ट ईयर का जो रेशियो है, मेरी बात को समझिएगा, लास्ट ईयर जो है ए बी और सी, लास्ट ईयर जो है उसके आय का अनुपात 3, 4, 5 है, ये 3 कमाता है, ये 4 कमाता है और ये 5 कमाता है। ए बी और सी के लास्ट ईयर का रेशियो कितना है, पिछले साल अगर ये 3 कमाया, बी 4 और सी 5। फिर कह रहा है इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष और इस वर्ष, फिर देखिए ए बी और सी के बारे में कहा गया, ध्यान समझिएगा कि एक ए का ही पिछले वर्ष और लास्ट ईयर, अब इसको ऐसा कह सकते हैं ए बी और सी,
लास्ट ईयर और करेंट ईयर, बी का लास्ट ईयर और करेंट ईयर, सी का लास्ट ईयर और करेंट ईयर। क्या बोला, ए के बारे में बता रहा है, ए का जो है ए की कहानी, लास्ट ईयर और करेंट ईयर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:5 का दिया हुआ है, बी का लास्ट ईयर करेंट ईयर का रेशियो 2:3 का दिया हुआ है, सी के लास्ट ईयर और करेंट ईयर का रेशियो 3:4 का दिया हुआ है। समझिएगा सवाल को, कह रहा है कि ए बी और सी के पिछले वर्ष के आय का अनुपात, पिछला वर्ष मतलब लास्ट ईयर आय का अनुपात 3:5 था, नोट कर दिए। फिर कह रहा है कि ए बी और सी के पिछले वर्ष और इस वर्ष, मतलब लास्ट ईयर और इस वर्ष, ए का जो है इंडिविजुअल ए के बारे बता रहा है कि ए का अगर पिछले साल इनकम 4 था तो इस साल इनकम 5 है, फिर बी के बारे में बताया अगर पिछले साल बी का इनकम 2 था इस साल 3 है, सी के बारे में बताया अगर पिछले साल सी का इनकम 3 था तो इस बार कितना है 4 है। लेकिन हम यहाँ क्या देखें, कह रहा है ए का लास्ट ईयर जो रेशियो था 3 था, 3 रुपया कमा रहा था, बट यहाँ लास्ट ईयर 4 दे दिया ए का, बी का लास्ट ईयर आपका 4 था बट यहाँ तो 2 दे दिया, बी का सी पिछले साल 5 कमा रहा था बट यहाँ पिछले साल को 3 दिया। हमको सबसे पहले करना क्या है, इस तीनों टर्म को इसके बराबर करना है, क्योंकि ये भी तो ये लास्ट ईयर यहाँ भी लास्ट ईयर, दोनों तो बराबर ना होना चाहिए था, 4 और 2 बराबर होना चाहिए था, 5 और 3 आपको बराबर होना चाहिए था, क्योंकि लास्ट ईयर की कहानी है, ये भी आपका लास्ट ईयर है, एक आई ये भी लास्ट ईयर है, वो तो इनकम तो बराबर ना होगा, तो पहला काम बराबर करना है। क्या करेंगे, 4, 2, 3 का आप एलसीएम लीजिए बराबर करने के लिए, 4, 2 और 3 हम लिख देते हैं एलसीएम। आप खुद सोच रहे होंगे एलसीएम कितने का होगा इसका, 12 का एलसीएम होगा, बस जो एलसीएम आया, मेरी बात समझिए, जो इसका एलसीएम आया उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस 4, 2, 3 का एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 12 3 36, 4 4 48, 12 5 60। अब ये 36 था, ये 4 है, आप खुद बताइए 36 से 4 कितना गुना रेशियो हो जाएगा, 9 गुना, 9 तो 36। अगर रेशियो में किसी भी रेशियो में किसी गुना भाग आप कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर इस रेशियो में 9 से गुना करेंगे 9 तो 36 ये बन जाएगा, और ये 9 5 45 हो जाएगा, ये 2 था ये 48 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 है, 24 गुना 48, तब ना 48 दोनों बराबर होगा, पिछले साल भी यहाँ भी 48 और जो 24 से कुछ रेशियो में अगर गुना कर दें, रेशियो में अगर हम ये भी 48 अगर ये 48 कितना होगा 24 दिया 72, यहाँ देखिए 60 था ये 30 कितना होगा 20 दिया, अगर ये 20 है कितना होगा 20 का 80, तब ना इस रेशियो में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 चौका 36 36 36 बराबर हो गया 9 5 45, इस रेशियो 48 करना है, 2 को कितना से मल्टीप्लाई 24 है 24 दूना 48 24 दिया 72। हमको क्या करना है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पिछले साल 60 था, 3 को 60 करने के लिए रेशियो में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 20 दिया 60, 20 का 80 हो गया। मतलब ये हो गया कि ए बी सी का अगर ए करेंट ईयर 45 कमा रहा है तो सी आपका, बी आपका 72 कमा रहा है, बी और सी आपका कितना कमा रहा है 80 कमा रहा है। तो क्या कर रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, जवाब में कह रहा है यदि तीनों के वर्तमान आय का योग 78,800 है, वर्तमान आय ये 45 ये 72 ये 80, तीनों के वर्तमान आय का योग कितना होगा, खुद बताइए यहाँ 5 8 2 10 10 5 10 5 15 15 का 5 बच गया 1 1 4 5 7 5 12 0 था ना 5 2 7 और योग 8 7 15 15 4 कितना होता है 15 4 19 157 जोड़ करके 5 2 7 का 0 15 15 4 19 157 यही 197 जो योगफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है तीनों का योगफल 7880 इतना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पे 4 बार में 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 मिनट आपका 400 हो गया, तो कह रहे आप प्रत्येक का इनकम 45 72 80 तीनों निकाल दीजिए, 45 भी निकाल दीजिए 72 भी निकाल दीजिए और यहाँ पे आप 80 भी निकाल दीजिए, 45 72 नहीं दिख रहा है 45 72 और क्या ज्ञात करना है 80 ज्ञात करना है, तो 45 का बताइए कितना होगा, यहाँ पर करते हैं इसको थोड़ा सा, तीनों का योगफल 157 आया था, 197 आपका कितना दिया हुआ है 7888 7880, एक हो जाएगा कितना 4 400, 45 भी निकाल दीजिए 99 18 कितना हो जाएगा 45 180, 45 निकाल दीजिए 72, 4 2 8 7 4 28 28 800 वो निकाल दीजिए 80 कितना आएगा 00000 800 का 32, ये हो जाएगा आपका ए का करेंट ईयर, ये बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। कुछ नहीं, सवाल बहुत ही अच्छा था और इससे बेटर तरीका कुछ नहीं होगा, फिर समझ लीजिएगा ए बी सी के लास्ट ईयर का रेशियो 3:4:5 का था,
ए का लास्ट ईयर करेंट ईयर 4:5, बी का लास्ट ईयर करेंट ईयर 2:3, सी का लास्ट ईयर करेंट ईयर 3:4 का हो गया। यहाँ देखिए इसका 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 3 है, 5 है। हमारा मकसद यही है कि हमें इस तीनों को इसके इसके बराबर करना है। चलो लास्ट ईयर बराबर करेंगे तो हमें पता चलेगा इस 4 को हमको 3 के बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, कोई तरीका नहीं, सीधे सिंपल तरीका 4, 2, 3 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या दिया आपको 12, जो एलसीएम आया क्योंकि एलसीएम तो गुणज होता है, बस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस रेशियो में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 60 हो गया, मतलब एक का इनकम 36 और यहाँ 4 को 36 में चेंज कर सकते हैं किससे, 9 से मल्टीप्लाई करके, 9 दो 36, 45 हो गया। 2 को 48 करना है 24 से मल्टीप्लाई किए 72 हो जाएगा। 60 को 3 को 60 करना है 20 से मल्टीप्लाई 80 हो गया, मतलब ए 45, बी 72, सी 80 हो गया। करंट ईयर का अनुपात, करंट ईयर का अनुपात तीनों को जोड़ दी कितना आया 78, 801 इतना हो गया आपको 45, 72, 80 आपको पूछा गया है, सॉल्व करके आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में जो रहा होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे बेटर तरीके से नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है, मद खनिज पदार्थ का मूल्य, खनिज का मूल्य, मजदूरी और उसके बाद तीसरा खर्च क्या है, ऊपरी खर्च, ऊपरी यानी खर्च। कह रहा है इसका अनुपात दिया हुआ है आपको 4, 3, 2, 4 इसमें, 3 इसमें और 2 इसमें। कर मूल्य में देखिए क्या बताएं, जब भी पर अनुपात हो उसमें प्रतिशत वृद्धि हो तो अनुपात होता है 100 वाले में चेंज कीजिए 400, 300 और क्या कह देंगे इसको 200 कह देंगे, क्योंकि 100 लगा देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 100 भी क्या रहेगा 4, 3, 2 का ही रहेगा, समझ गए ना। अब देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है प्रश्न में खनिज पदार्थ के मूल्य में 10% की वृद्धि, इसमें अगर हम 10% की वृद्धि करते हैं मतलब 100 में 10 की वृद्धि, 10 का 40 नया मूल्य कितना होगा 440, 100 में 10 की वृद्धि, 400 में 40 की वृद्धि, 400 से बढ़कर कितना 440 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है आपको, मजदूरी में 8% की वृद्धि होने से, मजदूरी में भी 8% की वृद्धि, 8 या 24 8% की वृद्धि है एक में, 8 या 24 की वृद्धि, नया मूल्य कितना हो जाएगा इसका 324 होगा। मजदूरी में जो 300 रुपया खर्च हो रहा था 324 का हो जाएगा। और देखिए ऊपरी खर्च क्या है आपका, ऊपरी खर्च 5% घट गया, 5% मतलब 100 में 5 की कमी, 200 में 10 की कमी, 10 कम हो गया कितना हो जाएगा आपका 55% कमी हो गई, 100 में 5 की कमी, 200 में कितने कमी हो गए 10 की कमी, 200 था घट के कितना 190 होगा। अब जो है नया खर्च, अब क्या कह रहा है इसमें, तो कितने परसेंट की वृद्धि किया 4, 3, 7, 2, 9 पहले मूल्य कितने का था 900 का था, अब देखिए मूल्य कितने का होगा 4 का 4 हो गया, 9, 2, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 9, 2, 4, 15, 15 का 5 बच गया 1, 1, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 54 मतलब 900 था पहले, अब कितना हो रहा है 954, तो खुद बताइए आपने वृद्धि कितने का हो गया 54 का, वृद्धि का रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पहले 900 खर्च होता था सब मिला के अब 54 खर्च हो रहा है, कितने परसेंट की 900 में 54 की वृद्धि, 100 पे कितने की 900 का 54 कितना परसेंट हो गया, कुल मिला के जो वृद्धि होगा उसमें 6% की वृद्धि हुई। ये सवाल आपको हम परसेंटेज चैप्टर में भी बताए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग के क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ रहा होगा। पहला रेशियो अनुपात जो ही परसेंटेज के कहानी में आवे उसको जीरो लगा के 100 में चेंज कर देना, फिर जो वृद्धि कमी का उसको नोट किए, पहले 900 खर्च था 954 खर्च हो रहा है, वृद्धि 54 का हुआ, 900 में 54 का वृद्धि तो 100 में कितने का वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लड़की छात्र और छात्रा का अनुपात बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 है, 20% छात्र और 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है तो विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्र या विद्यार्थी, छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थी प्रतिशत, मतलब कितने परसेंट छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले, छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थी प्रतिशत कितने होंगे। देखिए 3, 2, 5 टोटल विद्यार्थी कितना है 5, 5 में लड़का कितना है 3 और 5 में लड़की कितनी है मतलब छात्रा कितनी है 2, इस विद्यार्थी के कितने परसेंट को छात्रवृत्ति मिलता है तो 20% को मिलता है, इस 5 में 3 लड़का, इस लड़के के 20% को मिलता है तो 80% को नहीं मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट उसमें कह रहा है छात्राओं में 25% को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितने को नहीं मिलता है, अगर 25% को छात्रवृत्ति मिलता है मतलब 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, काट दीजिए 16, 25, 80 और 25, 75 ये ना हो जाएगा 25, 75 5 है 15, 25, 75 मिस्टेक हो रहा था 15, 25, 75 मतलब 16, 48% यहाँ से 30% यहाँ पे सब मिला के कितना हो गया 78%। इसका मतलब है कि पूरे क्लास में पूरे विद्यालय में
78% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। कुछ नहीं था, 3:2 सौ रुपये के निकाले, 5 में 3 लड़का, 5 में 2 लड़की, इस लड़की के 20% को मिलता है मतलब 80% को नहीं मिलता है, इसमें 25% को मिलता है मतलब 75% को नहीं मिलता है, सौ करके निकाले आंसर कितना आया 78%। परसेंटेज में भी आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़ाएं, जो परसेंटेज नहीं देखे हैं वो परसेंटेज दागर के देखिए, प्ले लिस्ट में आपको दिया हुआ है परसेंटेज चैप्टर, 3 पार्ट में बताए, 3 पार्ट को देख लीजिए, वहाँ भी आपको बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात सहन समझेगा, पहले वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए अगर कि ताकि आपको एहसास हो कि आप जिस तरीका से बना रहे हैं वो और जो तरीका होना चाहिए उसमें अंतर कितना है, जब तक आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा ना तब तक आप हमारे इस मेथड का उपयोग समझ नहीं पाएंगे। ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वो इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:4, बहुत ही यूनिक तरीका है, और इसके खर्च एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो इसका दिया हुआ है 19:21। आप बताइए इनकम है और आय और खर्च, इसको आय में खर्च को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, सेविंग मतलब बचत, बचत निकलेगा, इसी बचत का रेशियो आपको दिया हुआ है 37 और ये है 18, और कह रहा है कि ए और बी की कुल वार्षिक बचत 66,000 है, 66,000 कुल वार्षिक बचत है ए और बी का, तो मासिक बचत के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब मासिक बचत कितना हो गया 5500, ए और बी जो है एक महीना में कितना बचाता है 5500, और ए और बी का जो अनुपात कितना है 5500 बच रहा है किस रेशियो में, ये 37 और ये 18, 37 18 कितना होता है 55 यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5500, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 100, 55 देखो तो आपका 100, एक अगर 100 है 37 कितना हो जाएगा 3700, और 18 कितना हो जाएगा 1800, मतलब क्या हो गया 37 का दाम 3700, इसका दाम कितना हो जाएगा आपका 1800 हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये जो मेथड आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ रुकिए, वीडियो को रोकिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना के पहले ही आपको डाले हैं, जो नहीं देखे हैं पहले वहां जाके देखिए, तो वो देखने के बाद आपके सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो तरीका आपको हम बताए हैं वहां ने पूरा का पूरा डीपली कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो पहले आप लोग हमारी इतनी सी बात मानिए, पहले वहां जाइए उसको खोल के पहले पढ़िए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पहले खोल के पढ़िए, औसम औसम 10-12 सवाल करवाएं, अगर वो देख लेंगे ना तो फिर आपको ये सवाल क्या है, ऐसा कई प्रकार का सवाल किसी भी चैप्टर का होगा आप बना जाइएगा, लाभ हानि ये प्रॉब्लम बहुत सारे चैप्टर में वो काम करता है, सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के उस स्पेशल वीडियो को देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझ में आपको बेहतर तरीके से आएगा, क्योंकि इसके लिए हम पहले ही एक क्लास आपको दे चुके हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन को करवा चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना 21 25 5, 5 × 10 से कितना हो जाएगा आपका 21 25 कितना हो जाएगा आपका 5 5 × 10 105, 1900 का कितना होता है 76, अंतर कितने का हो गया 24 5 29, अंतर कितने का हुआ 24 का, 29 का अंतर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं, इसका अंतर 24 29 का, इसका अंतर देखिए 18 है, देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 00 यहाँ भी 00 यहाँ भी आएगा, सब पहले ही कॉमन कर लेते हैं, ये होगा आपका 37 × 21 कितना होगा 777, और यहाँ देखिए कितना होगा 18 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, और 18 8 भाई का 2 बच गया 1 2 3 1 4 और 3 300 कितना हो जाएगा 342, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 342, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 777, चूंकि दोनों में 00 था कॉमन करके निकाल दिए पहले, हटा दिए, 7 में 2 गया 5, 7 में 4 गया 1, 7 में 3 गया 4 कितना हो गया 415 ही होगा, 7 में 5 7 में 4 गया 3 हो जाएगा, 7 में 4 गया 3 435, इसका मतलब फाइनली वैल्यू कितना होगा 43500। अब इसका मतलब तो पीछे पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, यही 29 यूनिट जो अंतर, यहाँ इसके क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर 29, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर कितना हो गया 43, पर यही 29 यूनिट आपका 43500 है, तो एक यूनिट आपका कितना होगा 9 9 45 का 5 4 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिएगा 29, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा यहाँ पे, 29 है यहाँ पे 435 है, 7 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 29 से 29 कितना हो जाएगा आपका 29 39 14 19 25 5 बार में कितना हो जाएगा, एक यूनिट आपका 150 हो गया, तो सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, तो सवाल में ये कहा गया है बताएं कि प्रत्येक की मासिक आय क्या है, इसका इसका इनकम 4, एक का इनकम 5, इसका इनकम 4, तो 5 भी निकालिए 4 भी निकालिए,
पचे 75, इसका इनकम 7500, और इसका 5 × 60, इसका इनकम, ए का इनकम 7500 हो जाएगा और बी का इनकम कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ये तरीका सीखिए, हो सकता है जो पहली बार कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूजन में आ सकते हैं, इसलिए पहले बार बार बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, चलिए उस पर तभी सफलता मिलेगी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिंक को खोलिए और वहाँ पर ये सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में विशेष रूप से पूरा डिप्ली बताएं, वहाँ देख लीजिए फिर समझिएगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आपको आएगा। फिर समझा देते हैं, ए और बी की इनकम का रेशियो 5 था, उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो 19:21 है। ए 5 रुपया कमाता है और 20 रुपया खर्च करता है, इनकम में एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या निकलता है, सेविंग निकलता है, बचत निकलता है, इनकम, इस दोनों का अंतर यहाँ पे, इस दोनों का अंतर यहाँ पे 18 अंतर है, सेविंग अनुपात 37:18 आपको दिया हुआ था। और कह रहा है ए और बी मिलके एक साल में 66000 रुपया बचा रहा है, तो एक महीना में कितना 5500, यही 5500 किस रेशो में बचा रहा है, दोनों 37:18 में बचा रहा है, 37:18 का रेशो कितना हुआ, 3700, और ये कितना होगा 1800, मतलब ये 3700 बताता है, ये 1800 बताता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको पीछे बताएं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आया 29, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों का अंतर कितने का है 4450, यही 29 यूनिट आपका 4450 है, एक यूनिट आपका 1500 हो गया। तो पूछा इनकम, हमेशा ऊपर वाला इनकम यह है, ए का इनकम 5 है, बी का इनकम 4, 5 और 4 निकाल दिए, कितना हो गया 7500, और इसका हो गया 4000, ए का इनकम 7500 हो जाएगा और बी का इनकम 6000 हो जाएगा। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग सबसे पहले वहां जाकर जरूर देखिएगा, बार बार फोर्स करेंगे वो देखने के बाद ना, आप कई तरह के क्वेश्चन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में जो आया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सब अच्छा सा सवाल है, बोले ना रिवीजन के तौर पे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा इसमें। कह रहा है तीन व्यक्ति एबीसी का मासिक वेतन 30000 रुपया है, वे अपने वेतन का क्रमशः 75%, 70% और तथा कितना खर्च कर रहे हैं, 62% खर्च कर रहे हैं। देखिए ए बी एबीसी एक्स वाई जेड है, एबीसी है, ए बी और सी, ए का इनकम जो भी है उसका वो 25% क्या करता है, 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 25%। ए क्या करता है, बी अपने इनकम का 70% खर्च करता है तो बचाता कितना है 30%, और सी अपने इनकम का, और सी अपने इनकम का कितना खर्च करता है, क्वेश्चन को पढ़िए, कर सी अपने इनकम का 22%, कितना हो गया आपका 72%, 72 या 62 दिया हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन हमारे सामने बंद हो जाता है लाइट, तो समस्या जाती है क्वेश्चन को बार बार देखने में, कर 62% खर्च करता है तो बचाता कितना है 38%। ये भी ए का बचत, ये बी का बचत, ये सी का बचत, यही तीनों के बचत का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20:21:19 आपका बचत का अनुपात दिया हुआ है। वो देखने में थोड़ा परेशानी हो जाती है क्वेश्चन को, लाइट बंद हो जाता है इसलिए आपको परेशानी, क्वेश्चन आपके ऊपर लगा हुआ है उसको देख लिया कीजिए। देखिए ए क्या करता है, अपने इनकम का 75% खर्च करता है, 25 बचाया, बी अपने इनकम का 70 खर्च करता है, 30 बचाया, सी अपने इनकम का 62 खर्च करता है, 38 बचाया, यही जो बचत का अनुपात जब है 20:21:19 का अनुपात है। अब ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे, 2500 का 100, ये 0 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे कटेगा 4 से तो नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं है, देखिए यहाँ ये हो जाएगा ए बटा, पूरा डिप्ली बता रहे हैं 3b/10, और ये हो जाएगा 2 से काट सकते हैं, ऐसे नहीं भी काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रखिए काले काट सकते ध्यान दीजिए। एक ये कितना होगा बटा फोर, देखिए ए का संबंध किससे है, इससे है, बी का संबंध इससे है, सी का संबंध इससे है, ए बटा फोर और यहाँ बी बटा फोर, यहाँ ऊपर जाएगा ए अनुपात बी अनुपात, डायरेक्ट शॉर्ट बता देते हैं 4 × 2080, और देखिए यहाँ बटा 10 यहाँ आएगा तो गुना होगा 3 नीचे आएगा 3×7=21 और 10 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा बी अनुपात 70। ये देखिए यहाँ से ये क्या 19 है, 19×38=50, ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। बात नहीं समझ पाए, इतना शॉर्ट बताया नहीं समझ पाए, डिप्ली बता दें, समझ लीजिए थोड़ा हम साइड में कर देते हैं यहाँ। देखिए ये क्या होगा कि a बटा 4 इसका संबंध किससे है 20 से है, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना है 3b/10 है, इसका संबंध किससे है b का संबंध 21 से है, बराबर 21 3×7=21 तो b बराबर कितना होगा 70 हो गया, इसका संबंध 19 से है तो c गुना 38/100 बराबर कितना 19, 19×38 2 से काट देंगे 50, c बराबर कितना हो गया 50। लेकिन ये सब जो है ना मेंटली करने की चीज है, ये सब आप लोग मेंस पार्टी कर चुके हैं, मतलब बहुत सारी बात आप समझ चुके होंगे, तब ना इस क्लास को कर रहे हैं, तो अब रेशियो 20:21 का इस प्रकार से सोच के निकाल सकते हो। तरीका तो बहुत सारा है, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन बताने का तब तो हम बहुत दूरी तरीका बताएंगे, अभी बस भी बता रहे हैं रिविजन के लिए। इसका मतलब रेशियो कितना का हो गया 8:7:5, 8:7:15:5 कितना हो गया 20, एबीसी का जो इनकम का
ए का इनकम अगर 8 है, बी का इनकम 7 है, सी का इनकम 5 है, तीनों का इनकम का योग 20 है, यही 20 आपको दिया हुआ है, 30,000 रुपया दिया हुआ है, यही 20 आपका दिया हुआ है, कितना 30,000, 0 खत्म, 1 हो जाएगा, कितना 15 × 30 डबल 0 1500। तो पूछा क्या गया है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रत्येक का मासिक वेतन ए का निकाल दीजिए, ए का वेतन 8, बी का वेतन 7, सी का वेतन 5, 15 × 8 = 120 डबल 0 ए का वेतन, 7 × 15 = 105 डबल 0 10,500 बी का वेतन, और 5 कितना 15 × 25 = 75 डबल 0 ये किसका वेतन, सी का वेतन हो जाएगा। इस प्रकार तीनों का वेतन हम ज्ञात, बहुत आसान सवाल था, फिर समझ लेते। ए अपने इनकम का 75 खर्च किया, 25 बचाया, बी 70 खर्च किया, 30 बचाया, सी 62 खर्च किया, 38 बचाया, ये तीनों का अनुपात कितना है, 20 21 19 का। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि ए बटा 4 3b/10 38/100 इसका रेशियो a बटा 4 का संबंध 20 से होगा तो c हो जाएगा, ये आपका 70, ये आपका 50, ये लिखना नहीं है, ये लिखने का मतलब है आप कंप्लीशन से बहुत दूरी है, आपको समझा, जो बच्चे नहीं समझेंगे उनके लिए हम लिखें, लिखना नहीं, दिमाग लगाना है, इसका संबंध यहां तो बस सी डायरेक्ट बैठे में लाना है, आपको काम खत्म करना है। 8 × 7 = 20 का निकाल दिए, इस प्रकार से a का इनकम निकल गया, तो a का इनकम b 8, तो b का इनकम 7, c का इनकम 5, तीनों को सॉल्व करके निकाल ली। उम्मीद करते हैं समझ में जोर आया होगा। देखिए 7 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, 299 को 1/2 अनुपात 1/6 2/3 अनुपात 3/4 में बांटिए। सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू को होल नंबर में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, इसका एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12, जो एलसीएम आया 2, 3, 4 का जो एलसीएम होगा एलसीएम कितना होगा 12, जो एलसीएम आया उस समय मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 और 4 × 3 = 12, 3 × 9, मतलब इसका रेशियो होगा कितने का होगा 6, 8, 9 का, बस एलसीएम निकाले, 1/2 में 12 से मल्टीप्लाई, 2 × 6 = 12, 12 से मल्टीप्लाई, 3 × 6 = 12, 4 × 2 = 8, 12 से मल्टीप्लाई, 4 × 3 = 12, 3 × 9, मतलब पहला धन 6, दूसरा धन 8, तीसरा धन 9, कितना हो जाएगा 9, 8, 17, 9, 17, 6, 23, 23, यही 23 आपका कुल कितना दिया हुआ है, कुल रुपया कितना दिया हुआ है 23, 299, 299, 1 होगा 33, 33 = 69, 1 यूनिट आपका 13 हो गया। तो पूछा क्या गया है, इस अनुपात सबका निकालना है, तो 6 भी निकालिए, 8 भी निकालिए, 9 भी, 13 × 78, 13 × 104, 13 × 117, मतलब ये हो जाएगा कि पहले को 78 मिला होगा, दूसरे को 104 मिला होगा और तीसरे को 117 मिला होगा। तो फैसला वैल्यू को जब भी होल नंबर में चेंज करते हैं नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम सब में इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके जो निकला हुआ आपका क्या निकलता है, एलसीएम। देखिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 40 को एबीसी में प्रकार बांटें कि 2a = 3b = 4c, 2a = 3b = 4c, इसका मतलब हो गया a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा 1/2, 1/3, 1/4, जो है वो बटा बन जाता है, ये सब आपको फंडामेंटल पता होगा। एलसीएम कितने का हो गया, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 12 से मल्टीप्लाई, 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 12, 4 × 3 = 12, ये तो आप फंडामेंटल, लेकिन आप शॉर्ट में सोच सकते थे जब मल्टीप्लाई में 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम बस 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो मिला एक ही बार में लिख देंगे, ये समझाने के लिए हम इस लाइन को लिखे, आवश्यकता नहीं है लिखने की, डायरेक्ट देखेंगे 2, 3, 4 एलसीएम कितना 12, 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 12, 4 × 6 = 12, 6 × 4 = 30, 100 × 10 = 3, 13, कुल योगफल कितना हो गया धन का 13 हो गया, यही कुल धन कितना दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, कुल धन दिया हुआ है आपको कितना 10, 40, यही 13 दिया हुआ है 10, 40, ये कितना होगा 13 × 8 = 104 और 0 1 हो गया आपका 80, तो क्या कह रहा है एबीसी में निकालना है, 1 का निकालिए 6, 4 और 3, 8 × 48 = 480, 8 × 32 = 320, 8 × 24 = 240, मतलब ए का इतना हो जाएगा, बी का इतना और सी का इतना हो जाएगा। इस प्रकार से कोई बात नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, बस 2a 3b दिया हुआ था, ए बराबर कितना होगा 2a था बटा 2, 3 है बटा 3, 4 है तो बटा, और एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सा सवाल है, कह रहा है 50 83 को कह रहा है 4 पुरुष 3 स्त्री 5 बच्चों में, मेल फीमेल और चाइल्ड में, इस प्रकार से बांटे संख्या क्या दिया हुआ है, मेरी बात समझिएगा, कितना मेल 4 मेल 4 मेल, उसके बाद दे रहा है 3 फीमेल 4 मेल 3 फीमेल और 5 चाइल्ड में बांटना, किस प्रकार से बांटना है, वेतन किस प्रकार से बांटना है उसका ध्यान दीजिएगा। तो बांटने में कह रहा है वेतन इसका कि फीमेल को चाइल्ड का 2 गुना मिले और मेल को जो है फीमेल का कितना मिले 1.5 गुना है, 1.5 गुना, डेढ़ का मतलब कितना होता है 1/2,
देर क्या मतलब बटा दो, मतलब तीन बटा दो गुना मिलता है, दो का तीन बटा दो कैंसिल आउट कितना हो गया, तीन हो गया। मतलब एक मेल को ₹3, एक फीमेल को ₹2, एक चेल को ₹1, एक मेल चार था ₹3 चार दिया पा रहा है यहाँ पे, तीन दुना छह पांच इकाई पांच जोड़ दिए तीनों मिला कितना मिलेगा, मतलब चार मेल तीन फीमेल पांच चाइल्ड, और एक मेल को ₹3, एक फीमेल को ₹2, एक चाइल्ड को ₹1 मिलता है। तो खुद देखिएगा एक एक मेल को तीन, चार मेल को 12, एक फीमेल को दो, तीन फीमेल को छह, एक और एक एक बच्चा को वेतन ₹1 मिलता है, तो पांच बच्चा को ₹5 कितना बार कितना होगा, 12 6 18 18 5 कितना हो गया 23, 18 5 23 यही 23 यूनिट जो आपको दिया हुआ है। कुल वेतन कितने का दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है 50 83, यही दिया हुआ है 50 83। अगर 23 यूनिट आपका 50 83 है तो खुद बताइए एक यूनिट आपका कितना होगा, 23 23 23 23 बस कितना गया आपका 23 20 हो जाएगा यहाँ पे 27 27 हो जाएगा यहाँ पे 23 2 46 23 2 46 बच गया चार, और उसके बाद 23 2 46 बच गया दो, 23 21 एक यूनिट आपका 221 हो गया, कितना हो गया एक यूनिट आपका 221 है। तो सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल को ध्यान देखिएगा, तो पूछा गया है आपको इसमें क्वेश्चन नंबर कितना था 9, तो कह रहा है पांच बच्चों में इस प्रकार बांटे चार पुरुष को, चार पुरुष का वेतन कितना 12, एक यूनिट अगर 221 है तो 12 यूनिट कितना होगा, बाद में 24 का चार, 12 का ही 12 का दो बच गया, 24 25 का पांच बच गया दो, 12 24 24 2 कितना होगा 26 52 होगा, 6 निकाल दिए, 6 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 6 12 2 6 12 13 26 हो जाएगा, और चाइल्ड कितना है, चाइल्ड का वेतन कितना 5 5 यूनिट कितना हो जाएगा 5 5 10 5 10 11 मतलब कितना होगा 1105। इसका मतलब है कि चार मेल पांच फीमेल और चाइल्ड को जो मिलेगा, मेल को मिल रहा है कितना 2652 मिलेगा, मेल को फीमेल को 1326 मिलेगा, और चाइल्ड को कितना मिलेगा 1105 मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में जोर आया होगा। बस संख्या पहले निकाल दिए, फिर जो वेतन का रेशियो का है चाइल्ड का 2 गुना 1 था, ये 2 और फीमेल का ये कितना गुना है, मेल जो है फीमेल का 1.1/2 डेढ़ गुना बोला है, डेढ़ का मतलब होता है 1.2 मतलब कितना 3/2 गुना, तो 2 का 3/2 कितना हो गया 3, गुना करके निकाल दे 12 6 5। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में सवाल जोर आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 54 40 को बीसी में इस प्रकार से बांटे कि ए को बी का 2/3 मिले, 2/3 किसका, ए को बी का, इस प्रकार से इसका मतलब हो गया ए अनुपात बी रेशियो कितना हो गया 2:3, ए को जो है बी का जिसके साथ का होता है वो नीचे, बी का 2/3 मतलब बी 3 2 ए 2, फिर कह रहा है आगे में तथा बी को सी का 1/4, किसका 1/4, सी का 1/4, मतलब इस कंडीशन से हम कह सकते हैं बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया 1:4। बात समझ गए, यहां से ए बी का रेशियो 2:3, यहां से बी और सी का रेशियो कितना हो गया 1:1, का मान 1, सी का मान 1:4, क्योंकि चूंकि यहां पर बी 3 था यहां 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 3 3 4 3 12, रेशियो क्या कह देंगे हम एबीसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, एबीसी का रेशियो कितना हो गया 2 3 और 12 का रेशियो हो गया। या फिर आप ऐसा भी कह सकते थे 2 1 2 3 1 3 4 3 12, वो जो आप लोग कई तरीके से पढ़े होंगे बट हम ये बता रहे हैं जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर कर दीजिए, काम निकाल दिए, यहाँ 3 था अभी यहाँ पर 1 था, दोनों का बी कॉमन है, बी को 3 करने के 3 से मल्टीप्लाई किए, ये 3 ये 12, 2 3, ए का मान 2, बी का मान 3, और बी का मान 3 तो सी का मान 12, रेशियो निकल गया 3 2 5, 12 5 कितना हो गया 12 5 17, यही 17 कुल रुपया कितना दिया हुआ है तीनों मिला के, यही 17 आपको दिया हुआ है कितना 54 40 54 40, 17 3 51 24 1 हो गया कितना 320। तो कह रहा है इस प्रकार तीनों का निकालना है, 2 भी निकाली, ए का मान 2, बी का मान और सी का मान, ये हो जाएगा 640, 3 3 9 960, और 12 हो जाएगा कितना 0 5 24 का 4 बच गया 2 5 36 36 2 कितना होता है 38 38 40, इसका मतलब ए को इतना मिला, बी को इतना मिला और सी को इतना मिला, कुछ नहीं करना था, कहा बी का 2/3, बी का जिसके साथ का लग रहा था वो नीचे होता है, बी 3 तो ए 2 2 3 का रेशियो, सी का 1/4, सी 4 तो बी 1, रेशियो 1:4 का, दोनों का रेशियो निकालने के लिए ध्यान रखना है आपको जो जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर की, रेशियो निकल गया, रेशियो करके जो कह रहा है सवाल उस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा सवाल है, पहले वीडियो को रोकिए, आप लोग बनाइए, हम जानते हैं आप लोग एक्स वाई करके बनाए होंगे, एकदम नहीं करना है, हमारे तरीका को सीखिए, एकदम आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका ही बदल जाएगा जब हम बता रहे होंगे उसको आप पकड़ लेना, आपको क्वेश्चन पढ़ने का जो सोच आप लगाया वो सारा सोच से आपका पलट जाएगा, बस मेरी बात को ध्यान से पढ़िएगा। कर एक्स वाई 2 प्रकार का मिश्रण है, एक मिश्रण एक्स है और एक मिश्रण वाई, कर इसमें एबीसी का अनुपात दिया हुआ है,
एक्स में जो ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3, 5 और 2 का रेशियो है, वाई में जो रेशियो दिया हुआ है y में रेशियो का a और b ही केवल है, y में केवल a और b है, 4 और 5 का रेशियो है। अब कह रहा है प्रश्न में 1 लीटर x का 1 लीटर लेना है और y का 2 लीटर, y का लेना है x का 1 लीटर, y का 2 लीटर लेना है। अब देखिए अगर हम ऐसा लेते तो 5, 3, 9, 2 कितना हो गया, 5, 3, 8, 2, 10, 10 लीटर इसका ले रहे हैं तो 9 ये ले रहे हैं। लेकिन क्या कर रहा है सवाल में कि x का लेना है 1 लीटर और y का 2 लीटर। अगर x का 1 लीटर लेते हैं और y का 2, मतलब रेशियो कितने का दोनों मिश्रण में होना चाहिए, 1:2 का। अगर x का 1 लीटर ले y का 2 लीटर ले, दोनों मिश्रण में अनुपात 1:2 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ अनुपात कितना है, 10 और 9 का है। बस सीधी सी बात, जिस अनुपात में लेना है उस मिश्रण को अनुपात में चेंज कर दीजिए। तो चेंज कैसे करेंगे, तो पहले 10, 9 था, इसको बराबर कर देना, इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से 10 से, अगर ये भी 90 लीटर का बन जाएगा, ये भी 90 लीटर का बन जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं लेना है, लेना है किस रेशियो में, 1:2 में, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब मिश्रण आपका किस रेशियो में आएगा, 1:2 में। 9 कितने कितना मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 9 × 9, 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, या 10 × 20, 20 × 80, 20 × 5 = 100। अब मिशन को मिलाएंगे, दोनों मिशन को, यहाँ 27 लीटर यहाँ से मिला, 80 लीटर यहाँ से मिला, मिला कितना मिल जाएगा आपका, 107 लीटर का। यहाँ देखिए कितना मिलेगा, 145 का, और यहाँ देखिए ये तो केवल इसमें यहाँ तो है ही नहीं, केवल यहाँ से मिलेगा कितने लीटर का, 18 लीटर का। अब आप इसको जोड़ करके देखिए मिशन कितने का तैयार हुआ है, 8, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20 का 0 बच गया, 2, 2 = 3, 3, 4, 3, 7 37, ये कितना हो गया, 1, 1, 2, मतलब मिशन कितने का तैयार हुआ, 270 का मिशन तैयार हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमको तैयार करना है क्वेश्चन नए मिशन के 540 ml में, नया मिशन कितने का हमको लेना है, 540 का, यह मिशन कितने का आया हमें, 270 का, यही 270 आपको 540 यूनिट दिया हुआ है, 1 यूनिट आपका 2 हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है एक ही मात्रा, ये कितना है इसमें, 214 ml क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीका था, इससे हम बेस्ट तरीका था कि ए बी सी अनुपात 3:5 का रेशियो नोट कर दिए यहाँ पे, फिर कह रहा है वाई का 4:5 का रेशियो, मतलब 9 लीटर का इसका मिश्रण, 10 लीटर का इसका मिश्रण। लेकिन कह रहा है सवाल में क्या एक्स का 1 लीटर लेना है, वाई का 2 लीटर लेना है, मतलब रेशियो दोनों का कितना होगा, 1:2 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेशियो कितने का, 10:9 का है, हमें जाना है 1:2 में। किसी अनुपात बदलने से पहले दोनों को मात्रा को बराबर कर देते हैं, बराबर कर दिए, 9 और 10 से मल्टीप्लाई करके बराबर हो गया, लेकिन लेना क्या है 1:2, 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 और 2 से मल्टीप्लाई, जो ही हम इसको 1 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो मात्रा कितने का बन जाएगा आपका, 1:2 का, पूरा मिला के इसे मल्टीप्लाई, 9 × 9 = 9 से मल्टीप्लाई, इसमें 10 × 20 से मल्टीप्लाई, 20 से सब में मल्टीप्लाई, 9 से में मल्टीप्लाई किए, दोनों को मिश्रण मिलाए, मिश्रण को मिला दिए मतलब जोड़ दिए, 270 का मिल गया, 270 आपका 540 है, 1 आपका 2, 2 आपका कितना होगा, 210 का हो गया। ये कहता है बी की मात्रा क्या है, 145 निकालते, सी की मात्रा क्या है तो 18 निकालते। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट बताएं जरूर समझ में आया होगा, ये सब सवाल जो है यही कॉन्सेप्ट पूरा कहानी है, पूरा अर्थमेटिक हम इस प्रकार से बताते हैं, कहीं को दिमाग लगाना ही नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में जोर आया होगा, अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पा रहे हैं आप लोग ट्राई कीजिए, स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आज का कहानी को इतना ही रखते हैं, आज का क्लास क्वेश्चन 11 तक ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आप लोग का। लेकिन जो हम बताने का प्रयास करें, जो कॉन्सेप्ट उसको आप जोर सीखिए, क्योंकि वो सीखने के बाद ही आपका सिलेक्शन जो होगा बहुत ही बेहतर तरीके से और जल्दबाजी में होगा और आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका को आप लोग जोर सीखिए, और जो कॉन्सेप्ट हम एक्सपायर तरीका से आपको कभी नहीं बताएंगे, जब भी बताएंगे तो अपने तरीका से बताएंगे और बेहद ही बेस्ट मेथड से आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में जोर आ रहा होगा, क्लास कर रहे हैं बहुत आनंद आ रहा होगा, अगर आनंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हमें भी उत्साह मिलता रहे और आपके सामने हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 12 जो स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है उसको आप लोग बनाइए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।